सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड 4 सेमेस्टर के विज्ञान विषय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जमी हुई बर्फ है ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, ये बहुत ही तेजी से पिघल रही है। तो ऑप्शन सा जो है, दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, अवाभा, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों, जो ओजोन परत है इसे हम कहते हैं पृथ्वी का जीवन रक्षक परत। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ओजोन परत है यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो परावैगनी किरणें होती हैं, इनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है ये परत। तो इसलिए ये परत क्या करती है, उन किरणों को वापस भेज देती है, मतलब सोख लेती है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो इस तरीके से जो ओजोन परत है ये पृथ्वी की रक्षक परत है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये ओजोन परत के क्षय का एक प्रमुख कारण बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, पौधा, खरगोश, शेर या फिर कोई नहीं। दोस्तों, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे जमीन में उगे हुए पौधे होते हैं, पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, ठीक है। और जो इनको खाते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि खरगोश, हिरण, ये सभी क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक या फिर शाकाहारी। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये होते हैं शाकाहारी। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, इसके अलावा हिरण हुआ, ये लोग क्या करते हैं, ये इन्हीं घास फूस को खाते हैं। तो घास फूस को जो खाने वाले प्राणी होते हैं या जो जीव होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पादक है, अभी मैंने आपको बताया है कि उत्पादक कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो इसमें मेंढक दिया हुआ, हिरण दिया हुआ, शेर दिया हुआ है, कोई नहीं। दोस्तों, हिरण तो शाकाहारी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, और जो शेर है ये मांसाहारी में आता है। तो बचा कौन, ऑप्शन आ मेंढक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं कोशिका, उत्तक, अंग या फिर सभी। तो कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं उत्तक, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम, मीटर या फिर कोई नहीं। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, तो ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आपको पता है, और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन सा जो है जूल, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको पता है कि एम्पियर किसका मात्रक, अभी मैंने बताया, विद्युत धारा का मात्रक है, और न्यूटन बल का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्य का सही सूत्र है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो ऑप्शन आ ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल, ऊर्जा, संवेग या फिर आवेग। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एकांक आवेश पर समय किसका सूत्र है, विद्युत धारा का, स्थितिज ऊर्जा का, संवेग का या फिर बल का। तो एकांक आवेश बटे समय सूत्र होता है विद्युत धारा का, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जहां पर क्यू क्या है, आवेश है, टी समय है, तो आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो इस तरीके से क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू
तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पेट्रोल, डीजल, सूर्य या फिर केरोसिन? आपको अच्छे से पता है कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए बी, ए डी ई के या फिर कोई नहीं? दोस्तों एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे से। एक गिलास ले लेते हैं, इसमें हम पानी भर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस गिलास के पानी में हम एक डालेंगे कीड़ा, क्या डालेंगे? कीड़ा डालेंगे। हमने क्या इसमें डाल दिया? एक कीड़ा डाल दिया, ठीक है। जब हमने इस कीड़े को डाला इस पानी में, तो ये कीड़ा इसमें घुल जाएगा पानी में? तो आप कहोगे नहीं, यानी कि ये जो कीड़ा है ये पानी में नहीं घुलेगा। तो जब नहीं घुलेगा तो विटामिन के ई डी ए ये पानी में नहीं घुल सकते। तो इस तरीके से पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हुए? विटामिन बी और विटामिन सी। तो जब विटामिन बी और सी पूछा जाएगा पानी में घुलने वाले विटामिन है, तो हम क्या कहेंगे? विटामिन बी और सी को जब हम पानी में डालेंगे तो विटामिन बी सी पानी में घुल जाएंगे। तो बी सी घुलनशील हो गए और कीड़ा घुलनशील नहीं हुआ। तो याद रखिएगा विटामिन के ई डी ए ये जल में घुलनशील नहीं है और विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। और जो विटामिन के ई डी ए है ये वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है, लेकिन जल में घुलनशील नहीं है। तो देखिए विटामिन ये जो के ई डी ए है ये जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील कौन हुआ? विटामिन बी और सी। तो इस तरीके से विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। अब मैंने एग्जांपल समझा दिया, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश या कोई आवेश नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है या फिर धात्विकता बढ़ती जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, धात्विकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है, लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। आप देखिए लगातार 2 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या फिर लैमार्क द्वारा? दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, निस्तापन विधि या सांद्रण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीवोम या फिर खाद्य जाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की या बोरान की? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, कार्बन की। जो बैटरी में लगे हुए सेल होते हैं या जो रिमोट आता है, रिमोट में लगे हुए जो सेल होते हैं उसमें किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन की। तो जो आप लोग रिमोट, चाहे टीवी का रिमोट हो चाहे एसी का रिमोट हो, उन सभी रिमोट में जो सेल लगा होता है शुष्क सेल, उसमें जो किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एलिसा परीक्षण है, दोस्तों ए से एलिसा, ए से एड्स, यही आप याद रखिएगा। तो एलिसा परीक्षण एड्स के लिए होता है या एड्स का पता लगाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गलेना किस धातु का अयस्क है, जिंक का, लेड का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, गलेना लेड का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, आपको पता है कि धारा 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। जो एसी होती है वो अल्टरनेट करंट होती है और जो डीसी होती है डायरेक्ट करंट होती है। तो डीसी का प्रयोग हम किसमें करते हैं, पंखे में, टॉर्च में, टीवी में या कूलर में? तो हम टॉर्च में किसका प्रयोग करते हैं? डीसी का, यानी कि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट का, जो कि सेल में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, अमीबा, युगलीना, वायरस या
क्लेमाइडो मोनास। तो आपको पता है जो वायरस होता है ये जीवित और मृत्यु के बीच, यानी कि दोस्तों वायरस जब पर्यावरण में होता है तो ये मृत जीव की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही इसे या किसी के शरीर में जाता है ये बिल्कुल जीवित प्राणी की भांति कार्य करने लगता है। तो इस तरीके से वायरस को हम जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी युगलीना को। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चुंबकीय पदार्थ है इसमें से कौन सा, लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, लोहा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थि मज्जा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का या चांदी का। तो विद्युत बल्ब में तंतु बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो कीड़ा है ये जल में तो घुलता नहीं है, जल में नहीं घुलता तो किसमें घुलता है, ये वसा में घुलता है। किसमें घुलता है, ये वसा में घुलता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है इसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैरिस्मस तथा क्वासिक्योर रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त दाब मापा जाता है स्फेरोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा, एमोमीटर द्वारा या फिर स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, ओ वर्ग को क्या कहते हैं हम, सर्वदाता कहते हैं, यानी कि ये सभी को रक्त दे सकता है। और किस रक्त समूह को हम सर्वग्राही कहते हैं, तो ऑप्शन आ है ए बी, यही बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का या सभी का। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 37 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, आ व ब दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुदिशात्मक होता है, यानी कि केवल एक दिशा में ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन बा जो है बहुदिशात्मक, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी एक दिशा में हम ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत अचालक है, तो इसमें से विद्युत का अचालक कौन है, प्लास्टिक, चांदी, आ व बा दोनों या फिर कोई नहीं। आप सभी को पता अच्छे से कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आ, प्लास्टिक। चांदी क्या है, चांदी तो विद्युत का क्या है, सुचालक है, और बहुत ही अच्छा सुचालक है, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रुधिर का पीएच होता है 2.3, 7.4, 5 या फिर 3। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब, 7.4। क्वेश्चन नंबर 40 है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर प्लेटलेट्स, आरबीसी, आ व ब दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन आ जो है रुधिर प्लेटलेट्स, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एड्स का विषाणु है, आपको भी पता है राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आ, एचआईवी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विषाणु जनित रोग है कॉलरा, एड्स, पीलिया या दंत रोग, आपको भी पता है राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ब, एड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, रुधिर के भाग है प्लाज्मा, रुधिराणु, आ व बा दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, आ व बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स, आ व बा दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से पोटेशियम का संकेत है, Na ये तो सोडियम है, Pb लेड है, ये कॉपर है, तो बचा क्या, के ये क्या हो गया, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 46 है, कॉपर का अयस्क है, दोस्तों कॉपर का अयस्क क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट ये सभी है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, पराबैंगनी कीड़ों को रोकती है ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत, आ व बा दोनों या फिर कोई नहीं। आपको अच्छे से पता है कि ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी कीड़ों को
पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ऑप्शन ए जो है यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, एल्यूमिनियम के, जिंक के या फिर लेड के या सभी के। तो राइट आंसर है ऑप्शन द सभी के। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है, दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है वोल्ट मीट, विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है अमीटर और विभवांतर को मापने का यंत्र होता है वोल्ट मीटर। याद रखिएगा आप लोग, विभवांतर वोल्ट, विद्युत धारा अमीटर, यहां पर मापने के यंत्र की बात हो रही है, याद रखिएगा आप लोग यंत्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो होता है वायु प्रदूषण, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल होते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल यही उपस्थित होते हैं अम्ल वर्षा में, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको अच्छे से पता है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का क्या कारण है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है, या ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर कोई नहीं। तो सबसे प्रमुख जो कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का वो है वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है, तो पृथ्वी का तापमान या पृथ्वी का गर्म होना या पृथ्वी का तापमान बढ़ना, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, जिंक का, लोहे का, कॉपर का या सिल्वर का। दोस्तों हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्युत धारा का मात्रक है मीटर, सेकेंड, एम्पियर या कोई नहीं। तो विद्युत धारा का आई का मात्रक क्या है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मिश्र धातु उसमें से कौन है, पीतल, तांबा, जस्ता या फिर टिन। दोस्तों इसमें से मिश्र धातु है पीतल, पीतल तांबे और जस्ते से मिलकर के बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्परिवर्तन का क्या कारण है, जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या फिर प्राकृतिक चयन। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ जीन परिवर्तन। तो इस तरीके से आपके विज्ञान विषय के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। अगर आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलती है और हम आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों आपको आगे चल करके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी हम करवाएंगे और आप लोगों को टीचर बनाना, यही हमारा उद्देश्य है कि आप में से हर एक बच्चा शिक्षक बने। तो हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, लगातार आपका मार्गदर्शन हम करते रहेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा।